हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन हो तुम? कृष्ण। कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। हमें पहचानो सर्पराज, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं। सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। अरे कोई मेरी ओर भी फेंको ना। हाँ, खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई खेल नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मंसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला लल्ला, भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। ये कालिया दह है, कालिया दह। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ जाना, जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानी तू अभी तक कैसे बच गया, जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम? मैं? हाँ तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। मुझे तो मैया कहता है पगले, एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख ये सर्पों के राजा कालिया का दह है, यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊं? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले ये बालहट करने का समय नहीं, चल मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन हो तुम? कृष्ण। कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है, वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं? उदंड बालक,
जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए। हट जाओ रानी। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। उठ, युद्ध कर। नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं, इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहे माम, त्राहे माम। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर, कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूली देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूली को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। कुछ नहीं होगा, उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया। वीणा छेड़े कृष्ण संग
से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो।